मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आपने पढ़ा होगा तो कई ऐसी घटनाओं का जिक्र आया होगा जिसमें विदेशी आक्रांताओं द्वारा मंदिर गिराए जाने की बात कही गई है। लेकिन ये 2023 है, देश में विदेशी आक्रांता नहीं है। देश की सियासत कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद की तरफ चल रही है। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के शिवगंज में, जहां 2 साल पहले एक अति प्राचीन मंदिर को इस तरह से गिराया गया जैसे इसे किसी आक्रांता ने गिराया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस मंदिर को। गांव के लोगों को ये पता नहीं है ये मंदिर कितना पुराना है। लगभग 40 साल पहले एक बाबा ने यहां पर शिवलिंग की स्थापना कराई थी। मंदिर उससे कहीं सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से ये मंदिर आज खंडहर में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर का मलबा पड़ा हुआ है और नीचे भगवान शंकर एक छोटे से शिवलिंग के रूप में अपनी शक्तियों को समाहित किए सुरक्षित विराजमान हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको हर वो चीज़ बारीकी से दिखाएं जो कहीं ना कहीं आस्था को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं ये है भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान शिव के त्रिशूल के ठीक बगल में भगवान शिव की एक खंडित मूर्ति का सर रखा हुआ है। आप मंदिर की टूटी हुई दीवार को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी मजबूती के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया गया होगा। लेकिन आज यह मंदिर बिल्कुल विचाराधीन मलबों में तब्दील होकर के पड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जिनकी आस्था शुरू से इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई रही है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास को और अभी जो वर्तमान है उसके बारे में। सर, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? तेलडीहा के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? गोकुल सिंह। इस मंदिर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? इस महारुद्र महादेव संकट मोचन मंदिर का निर्माण सूर्य नारायण दास त्यागी जी महाराज ने करवाया, और शिवगंज जो जगह है, इस गांव का नाम पहले गरीबगंज था, बाद में सरकारगंज हुआ। जब शिवलिंग की स्थापना हुई तो इस गांव का नाम शिवगंज हुआ। शिवगंज गांव जो है शिवजी के नाम पर बसा हुआ है, इसलिए हम लोग को इनसे काफ़ी लगाव है। और मंदिर गिरने से लोग काफ़ी मर्माहत हैं, और सरकार से हमारी मांग है कि मंदिर को पुनर्निर्माण हो और जो सड़क बने वो बस्ती बचाकर बने, फ्लाईओवर बनाया जाए, नीचे बस्ती रहे, मंदिर रहे और भारत सरकार के सड़क भी रहे, जिससे हम लोगों को जो काफ़ी जो दुख हुआ उस पर, जो जख्म हुआ उस पर मरहम लगाने का काम भारत सरकार करे। 40 साल पहले तो इस मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ जी। लेकिन उससे पहले का भी इस मंदिर का कोई प्रमाण या कोई इतिहास है क्या? उसके पहले का जानकारी हमें नहीं है कि पहले, लेकिन ये गांव शिवजी के नाम से ही शिवगंज हुआ, इतना जानकारी है।
तो गांव तो शिव जी के नाम पर पड़ा, तो गांव शिवगंज रह गया, लेकिन अब शिव जी इस गांव में नहीं रहते हैं। शिव जी तो अभी है, अब शिव जी को कहां सरकार ले जाएगा, घर इनका गिरा दिया। शिव जी तो पत्थरों की बारिश हुई, उनका अर्घा फूट गया, लेकिन शिव जी को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी के ऊपर पत्थर गिरा, हनुमान जी का मूर्ति जस के तस रह गया, झंडा हनुमान जी का तोड़ा गया, हनुमान जी में कुछ नहीं हुआ, जस के तस है, वो देखने लायक है। हनुमान जी का झंडा पीपल के पेड़ के ऊपर था, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग उसे नीचे उतार कर मंदिर के पास ही गाड़ दिए हैं, जो गड़ा हुआ टूटा हुआ झंडा अभी वर्तमान है। देश की राजनीति का आधार इन दिनों मंदिर ही है। केंद्र में बैठी हुई सरकार हवाला देती है कि उसने राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है और यहाँ ये मंदिर गिरा हुआ है, क्या कहना चाहिए? यहाँ का भी निर्माण नरेंद्र मोदी जी कराएं, ये मोदी जी और योगी जी धर्मपुत्र के नाम से जाने जा रहे हैं। अगर शिवगंज में भी अगर वो शिव जी का भव्य मंदिर महादेव और संकट मोचन का बनवा दे, ये नेशनल हाईवे 19 पर स्थित है और ये चौ मुहाने पर मंदिर है। एक तरफ देव रास्ता जाता है जहाँ भगवान भास्कर का मंदिर है, तो दूसरे तरफ रफीगंज जाता है, तो तीसरे तरफ कलकत्ता जाता है, चौथे तरफ पेशावर दिल्ली तक जाती है और उसके बीच कॉर्नर पर ये मंदिर है। ये तमाम लाखों हिंदुओं का आस्था इससे जुड़ा हुआ है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से इस मंदिर की पूरी तस्वीर और पूरे हालात को अपने कैमरे में कैद करें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आगे तस्वीरें और भी हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सूर्य नारायण दास त्यागी जी का ये कमरा हुआ करता था। सूर्य नारायण त्यागी जी ने ही 40 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। जब इस मंदिर को गिराया गया तो इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया कि इस कमरे में क्या कुछ है। बिल्कुल आक्रांताओं की तरह बुलडोजर लगाया गया और इस मंदिर को बुलडोज कर दिया गया। मंदिर के अंदर टूटे हुए हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ये घंटा दबा हुआ है। इसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बाबा के बिस्तर भी इस कमरे में थे, इसके अलावा उनकी धार्मिक कई सारी पुस्तकें भी इस कमरे में ही दबी हुई हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं, यही मंदिर का मुख्य द्वार था। यहाँ से लोग मंदिर में प्रवेश करते थे और अपने आराध्य का दर्शन करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो मलबे में तब्दील हो गया है। पत्थरों का अंबार लगा हुआ है, जो सरिया हैं वो इस तरीके से निकले हुए हैं। भगवान को किसी तरीके से एक छत दिया गया है जिसमें भगवान अपना बसर कर रहे हैं। बाबा, कितने दिनों से आप इस मंदिर को देख रहे थे? ये तो हमरा लगी था बात ढेर दिन से। हाँ, अब तो ये मंदिर गिर चुका है, कितनी तकलीफ हुई आपको? तकलीफ तो है, ये है देवी दुर्गा सब अभी नीचे हाथ, यानी के गिराने के भी अगर गवर्नमेंट की ज़रूरत था, जिन लोगों को चाहिए था देवी दुर्गा के हटा के कहीं प्रतिष्ठित करना, ये रख देना, यही अनरथ हुआ है। अब तो जो होना था वो तो हो गया है, मंदिर गिरा दी गई है, आगे आप लोगों की क्या मांग है? मंदिर बनना चाहिए।
एक सुर में यही मांग है कि मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या मंदिर भी जब गिरा था तो ये मांग रखी गई थी बीजेपी आरएसएस के द्वारा, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो वहाँ का स्थान था, वैसा जगह था, यहाँ का जैसा जगह है उसके अनुकूल सोच के बनाया जाए। तो यहाँ नहीं तो कहाँ बनना चाहिए मंदिर? ये तो हमारे पास उतना औकात नहीं है कि हम जमीन दे दें, हम उस कर दें, इसलिए बगल में कहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। और ये हैं मंदिर के वर्तमान पुजारी अजीत पाठक जी। अजीत जी, कितने दिन से इस मंदिर में आप पुजारी हैं? 12-13 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं। 12-13 साल से आप पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। मंदिर को गिरा दिया गया तब आप मौजूद थे? हम यहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन टूटने के बाद फिर यहाँ पर पहुँचे थे। तो बहुत दुख की बात है कि मतलब मंदिर बनना चाहिए और तोड़ दिया गया। मूर्ति भगवान में कोई टूटा उठा नहीं है, केवल मंदिर गिरा दिया गया। पूजा पाठ कंटिन्यू होते जा रहा है। जब मंदिर खड़ा था उस समय श्रद्धालुओं की क्या स्थिति थी? आते कितने भक्त आते थे यहाँ? मतलब दोनों टाइम तो पूजा हम करते हैं, त्यौहार व्यौहार में जो लोग श्रद्धालु आते हैं पूजा वूजा कर करके यहाँ से फिर चले जाते हैं। यहाँ परमानेंट कोई मतलब अभी श्रद्धालुओं का क्या है? अभी भक्त आते हैं? हाँ, अभी भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना जाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। ये सच है, मंदिर गिर गया है, मंदिर को गिरा दिया गया है, लेकिन इसे लेकर के भक्तों पर सिर्फ इतना प्रभाव है, भक्त सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि भगवान को फिर से कहीं स्थापित किया जाना चाहिए, उनकी आस्था में कहीं कमी नहीं आई है। भक्त यहाँ आते हैं और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आने वाले एक इंद्रजीत सिंह जी भी हैं हमारे साथ, शिक्षक से सेवानिवृत्त हैं। सर, ये जो मंदिर यहाँ पर गिरा हुआ है काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, क्या कुछ जानते हैं आप? हम यही जानते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, 50-60 वर्ष का ही मंदिर है। इसमें लोग पूजा पाठ भी करते थे, रोज कीर्तन अखंड होता था। इसके बाद जैसे कि अब सरकार के द्वारा तोड़ा गया, अब इन लोग को सूचना भी नहीं दी गई। जो इसके संस्थापक थे, जो यहाँ रहते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, जो व्यवस्था करते थे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई और मंदिर को तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई कि इस मंदिर को दूसरे जगह बनाया जाए। ऐसा होता है कि इस मंदिर को यहाँ अधिक किया जाता है तो दूसरे जगह बनाना है, तो वो भी नहीं किया गया। आप लोगों ने मांग रखी है क्या सरकार के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जो भी उनके मुलाजिम हैं, जो भी उनका काम देखते हैं, उनके सामने आप लोगों ने कभी मांग रखी है मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए कहीं? हाँ, मांग रखा गया है मंदिर की पुनर्स्थापना हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मंदिर हटाया जाता है तो मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर फुल फ्लेजेज मंदिर बनना चाहिए, उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है इस मंदिर को 2021 में गिराया गया था और 21 और अब ये 2023 भी खत्म होने को है, 2024 की शुरुआत एक महीने बाद होने जा रही है। कितने दिनों से आप लोग प्रयास में लगे हुए हैं अभी तक मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए? करीब 2 साल से लगे हुए हैं। मंदिर की पुनर्स्थापना हो या दूसरे जगह मंदिर बने, अगर इस जगह मंदिर बनता है, अब तो नहीं बनेगा, संभव है यहाँ पर मंदिर बनना, अगर संभव है तो यही बनना चाहिए, अगर संभव नहीं है तो दूसरे जगह नज़दीक में अंचल पर धारणा का भी कार्य, नज़दीक में कहीं पर जगह देख करके मंदिर बनाया जाए वहाँ पर, और मंदिर बना करके वहाँ पर जनता को सुपुर्द कर दिया जाए, वो जैसे पूजा पाठ कर। अभी तक आप लोगों ने जब भी प्रयास किया तो क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ तो कहा गया होगा। आश्वासन मिला कि ठीक है बना देंगे, आश्वासन मिला कि बना देंगे, आप लोग घबराइए मत, ये मंदिर टूटेगा, ये रोड में आ रहा है, मंदिर टूटेगा, आपका मंदिर नज़दीक में ही बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। विकास कार्यों का हवाला देकर के मंदिर को गिराया गया, विकास होना जरूरी है, चलिए मंदिर तो गिर गया। आप लोगों ने मांग की पुनर्स्थापित करने के लिए इस मंदिर को, आश्वासन मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं, आगे आप लोग क्या इस पर प्लान कर रहे हैं? आगे हम लोग जो संचालन समिति, महारुद्र महादेव संचालन समिति के हम सचिव हैं गोकुल सिंह, हम सरकार जिला अधिकारी और अंचल अधिकारी को सूचना दिए हैं कि हम लोग अंचल पर 28 नवंबर को धरना पर बैठेंगे, इस मंदिर के पुनर्निर्माण के संबंध में सरकार को ज्ञापन देंगे।
जिससे मंदिर का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। तो आपने देखा किस तरह से एक मंदिर को ज़मींदोज कर दिया गया है, किस तरह से लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया है। कहा जाता है भगवान सबके पालनहार हैं, भगवान सभी को छत देते हैं, लेकिन आज भगवान खुद बेछत औंधे मुंह पड़े हुए हैं। अभय पांडे, सीतयोग न्यूज़।